तंकी। जम्मू में उद्योग पर बरपा बिजली कटौती का कहर, विभाग ने रोज 3 घंटे की कटौती का किया फैसला। उद्योगपतियों में बिजली विभाग के फैसले को लेकर भारी रोष। नवमी पर राममय हुआ मंदिरों का शहर जम्मू, रामनवमी पर जम्मू, कठुआ और किश्तवाड़ में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीनगर के चिनार बाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की। IGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन से था और ये दोनों पाकिस्तानी के निवासी थे। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी CRPF के जवानों पर हाल ही में हुए आतंकी हमलों में शामिल थे। IGP कश्मीर ने बताया कि पुलिस को क्षेत्र में 2 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और CRPF ने क्षेत्र का घेराव कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों आतंकी मारे गए। श्रीनगर में CRPF पर जो अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे CRPF के जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया, CRPF पुलिस लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था शुरू से ही। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और CRPF के लिए बहुत कमजोर दिन है। अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इनोसेंट, चाहे वो पुलिस वाले हो, सिविलियन हो या कोई जर्नलिस्ट हो, किसी पर कोई अटैक करता है, कोई टेररिस्ट चाहे पाकिस्तानी हो कि लोकल टेररिस्ट हो, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। दोनों पाकिस्तानी थे क्या? दोनों पाकिस्तानी है। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस के, 1 CRPF जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए, दोनों स्टेबल है, दोनों हॉस्पिटल में है। बिल्कुल, ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे क्लीन हुआ। रिसेंटली मैंने जैसा कहा कि 4 तारीख को जो श्रीनगर में अटैक हुआ था CRPF के नाका पार्टी पर, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हुआ था, दोनों मारा गया। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट हार्ड कोर लश्कर तैयबा से बिलोंग करते हैं। मिलिट्री नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। नहीं, मैंने किया था, पुलिस डाटा पुलिस मेंटेन करती है, ये मॉनिटर करती है कि आर्मी जो ये नहीं है, पुलिस मेंटेन करती है, बहुत डिक्लाइन हो रहा था, इसमें हो रहा है और डिक्लाइन करेंगे हम सब मिलकर, आर्मी CRPF पुलिस मिलकर इसको हम डिक्लाइन और करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट जो होता है हर एक गली हर एक पॉइंट पर होता है। ये लड़के हमारे जवान खड़ा रहते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। टेररिस्ट आते हैं छिपा के, पिस्टल छिपा के आते हैं, कंसील करके अटैक करना उसके इजी है, लेकिन हम लोग भी उसको मुंह तो जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे आगे भी। सर, टोटल कितने जवान इसमें घायल हो गए? 3 जवान शहीद घायल हुए, सॉरी घायल हुए। CRPF का 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस 2 पुलिस का, 1 CRPF के जवान ग्रेनेड थ्रो में जख्मी हुए, दोनों स्टेबल है, मैंने पहले कर चुका है हॉस्पिटल में। मैं थोड़ी बात सिर्फ बिजली की कटौती से जहां जम्मू का आम नागरिक परेशान है, वहीं अब जम्मू के उद्योग पर भी बिजली कटौती का कहर बरपा है, जिससे उद्योग क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिजली विभाग ने औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली बिजली में रोज 3 घंटे की कटौती की है। बिजली विभाग के इस फैसले से उद्योगपतियों में भारी रोष है। उद्योगपतियों का आरोप है कि उन्हें खपत से 200 मेगावाट कम बिजली मिल रही है और इससे औद्योगिक इकाइयां प्रभावित होंगी, जिसका असर रोजगार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार यहां भारी उद्योगपतियों के निवेश करने की बात कर रही है, वहीं बिजली विभाग के इस फैसले से उन उद्योगपतियों को गलत संदेश जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो 3 घंटे का पावर सप्लाई का कट लगाया है, वो एक अनजस्टिफाइड स्टेप है। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री इस टाइम गवर्नमेंट को बड़ी बनना की हम बात करें तो 150 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू देती है और हमारे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो 6 से 7% हैं।
आज अगर पावर की शॉर्टेज है तो उसके गवर्नमेंट को पहले उसमें देखना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज है किन एरियों में ज़्यादा है, जिन एरियों में ट्रांसमिशन लॉसेज ज़्यादा हैं उन एरियों में आप जो पावर कट लगाइए। पर अगर आप जहाँ से आपको रेवेन्यू आ रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप पावर कट लगाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन सफ़र करती है, उसमें हम लोग जनरेटर पे यूनिट नहीं चला सकते। ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोग या स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, अगर पावर कट होता है तो उनका लाखों रुपए का नुकसान होता है। मेरी ये एक एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को पावर कट के प्रीव्यू से बाहर रखा जाए, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये ना हो कल हमको एक शिफ्ट बंद करनी पड़ जाए जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ लेबर की रिट्रेंचमेंट करनी पड़ जाए और उसके लिए यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है उसको ऑलरेडी वो ज़्यादा है तो उसमें एडिशन हो जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो कट लगाया है उस कट को रिव्यू करे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ठीक है आपने अगर कट लगाना है ना आप संडे को लगा दीजिए तो हमारी पर जो हमको कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलती है वो कंटिन्यू पावर सप्लाई हमको 24/7 मिलनी चाहिए, क्योंकि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी हम लोग जो बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है हम उनको ये प्रॉमिस कर रहे हैं ये कि हम आपको 24/7 पावर देंगे। तो ये एक जो मैसेज अगर इस तरह के कट लगाने शुरू कर दिए तो ये एक थोड़ा सा एडवर्स मैसेज आएगा। रामनवमी के मौके पर मंदिरों के शहर जम्मू में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम के जीवन को दर्शाती झांकियों के अलावा कई देवी देवताओं की झांकी दर्शाई गई। इस शोभा यात्रा में कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने अपनी झांकियों के माध्यम से शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया। शोभा यात्रा का प्रारंभ जम्मू के प्राचीन रघुनाथ मंदिर से पूजा अर्चना के बाद हुआ। रघुनाथ जी के पूजा अर्चना के बाद भगवान राम का रथ निकाला गया। शोभा यात्रा रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर जम्मू शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस रघुनाथ मंदिर में संपन्न हुई। भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासियों को साधुवाद। 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण यात्रा नहीं निकल सकी, पर यह जम्मू धार्मिक शहर है, मंदिरों का शहर है और धार्मिक यात्राएं हम सबकी पहचान है। ये धार्मिक यात्राएं बड़े जोर के साथ, बड़े उत्साह के साथ जम्मू नगर परिक्रमा के लिए निकली हुई हैं। हम सभी का साधुवाद करते हैं और रामनवमी के इस उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासियों को साधुवाद देते हैं। वहीं रामनवमी के पर्व पर कठुआ में रामनवमी उत्सव कमेटी द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में जिसमें रामनवमी उत्सव कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग भाग लिया। उधर करीब 3 वर्षों के अंतराल के बाद किश्तवाड़ में रामनवमी के अवसर पर सनातन धर्म सभा द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी किश्तवाड़ अशोक शर्मा, पूर्व मंत्री सुनील शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा गौरीशंकर मंदिर से शुरू होकर चौगान, शहीदी रोड और मुख्य बस स्टैंड रोड से होते हुए राम मंदिर पर समाप्त हुई। तीन साल के बाद हमने इसलिए झांकी शुरू की कि कोविड की वजह से जो हमारा कार्यक्रम था या हमने इसको स्थगित कर दिया था, क्योंकि ये भी ज़रूरी था कि कोविड की जो महामारी थी इसका SOP का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसलिए हम 3 साल के बाद आज फिर अपनी रामनवमी की जो उत्सव है उसको धूमधाम से मना रहे हैं और झांकी जो हमारी इस वक्त राम मंदिर ये रामनवमी के पावन पर्व पर आरसपुरा में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर भाजपा के प्रदेश उप प्रधान एवं पूर्व मंत्री
चौधरी श्यामलाल ने वार्ड नंबर 8 सहित सुचेतगढ़ के गांव हंसा सतरैया सहित अन्य जगहों पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर आरसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी भी उनके साथ मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और इन धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਜ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਗਲੀਏ 'ਚ ਜਾਓ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਪਾਲ ਪੱਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांव नेकोवाल में जारी भागवत कथा सप्ताह का विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। भागवत कथा सप्ताह के अंतिम दिन जनक शास्त्री जी महाराज ने अपने प्रवचनों से संगत को निहाल किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल आरसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है और संतों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रभु श्री राम का दरबार सजता है और हर साल ये बाल सभा इस नेकोवाल बार्डर के ग्रां के ऊपर हर साल होती है। उस तरह ही अभी भी इस बार कथा समाप्ति है। बड़ा खुशकिस्मत है ग्रां इलाका उसका जिसे भगवान का नाम संक्रम होता है बड़े अच्छे तरीके शास्त्री जी महाराज ने भगवान का नाम सिमरन सारे भगवान का नाम सिमरन करने का मौका मिले। मैं तो कहना इस तरह ही भगवान करे अगे भी भगवान का नाम सिमरन होना। नवमी के पावन पर्व पर जगती नगरोटा स्थित माता खीर भवानी के मंदिर में भी सुबह से कश्मीरी पंडित विस्थापितों के अलावा स्थानीय लोगों की भारी भीड़ रही। इस दौरान कश्मीरी पंडितों विस्थापित ने मां खीर भवानी के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना कर सकुशल घर वापसी की प्रार्थना की। सीधा दिखा रहे माइग्रेंट कैंप कॉलोनी से माता रानी के दर्शन खीरभवानी मंदिर जगती में बना पिछले 11 साल से हम ये दिन मना रहे नवरात्र ये प्रोग्राम यो जो आज हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया नवरात्र का आज हमने माता रानी से यही प्रार्थना की कि अगले साल माता रानी हमें अपने घरों ले जाए वापस अपने घरों में मनाएंगे ये नवरात्र और खुशी खुश और खुशहाली से मनाएंगे। फेसबुक लाइव डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले ने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने दर्दपोरा करालपोरा में एक निजी स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीसी कुपवाड़ा इमाम दीन भी उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए डिवकॉम कश्मीर ने बताया कि जल्द ही जिला अस्पताल कुपवाड़ा बारामूला और सोपोर के अस्पतालों में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिनमें डॉक्टरों की टीमें 4000 से करीब विभिन्न बीमारियों के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन करेंगी।
जो यहाँ गाँव वालों की जो डिफिकल्टीज उन्होंने बताई पानी रोड की, वो डिफिकल्टीज हम सॉल्व करेंगे आने वाले दिनों में। जो है डीसी साहब एक डेढ़ महीने के बाद फिर से एक बार चक्कर लगाने वाले हैं, यहाँ एक कैंप भी लगाएंगे। काफ़ी बढ़िया बड़ा एरिया है। आपके ज़रिए से मैं इन तमाम आवाम को एक अपील करना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि 11 मई से 18 मई तक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बारामुल्ला का हॉस्पिटल और सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेगा हेल्थ कैंप लगने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ट्रीटमेंट होगी हर किस्म की। टारगेट है कि तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब ऑपरेशंस अलग अलग किस्म की डॉक्टर्स करने वाले हैं। रोटरी इंटरनेशनल वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, 7 दिन वो चल रहा है। तकरीबन 12 से 15 ओटीज डेली वो फंक्शनल रहने वाले हैं 7 दिन तक। सीमावर्ती ब्लॉक अरनिया के त्रेवा में भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजना के प्रति किसानों को जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा ये मना रही, हर दिन कोई ना कोई अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। आज के दिन 10 तारीख को किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री जी हर किसान के खाते में 2,000 रुपया हर 4 महीने के बाद भेजते हैं, साल में 3 बार भेजते हैं 6,000 रुपया, उस किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों का सम्मेलन था। उसमें किसान फसल योजना भी थी, केसीसी लोन्स की भी बात हमने की है। ऐसे किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे ज़िलों में, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ हमारे साथ है, तो सभी ज़िलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आज ये किसान सभा ऐसे हमने की है और किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं। जम्मू जिले के जानीपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पोलिंग बूथ को मजबूत करने के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थामा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू में संभावित दौरे को लेकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। पूर्व राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह मन्हास कार्यकर्ता सम्मेलन में खास तौर पर मौजूद हुए। कल बैठक हुआ करती है, मेरे जी मैं मुठी दवाना जानि के अपना जो मंडल है, ये मुठी पलौड़ा जानि के मंडल है, ये पोलिंग बूथ में जी मैं जा हर जगह जा, और मैं पता कि कल मैं आखी आया उसे कम से कम साड़िया 50 मैटाडोर घट को घट हो मैं और थोड़े सहयोग करें थोड़े आशीर्वाद करें और मैं पता कि किन्ने शख्स हो तो 50 के बजाय बद गए मैटाडोर जानि के मंगियो ताकि अस मैक्सीम संख्या जी साड़ी यार हरे इतों निकले मजा तो आए अज जन के तुम्हें निमंत्रण देने का एको चीज़ है कि रामनवमी की शुभकामनाएं, रमजान की शुभकामनाएं और नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम से असें मैक्सीम संख्या लिए जाना और टाइम बड़ा शरीर का थोड़ा हार तंग है, ये सोच रहे हो मोदी जी ने बड़े जल्दी आवा कर देने। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।